दोस्तों क्या आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा पिगरी फार्म जो 1000 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी सालाना कमाई 1200 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है, ये हमारे देश में ना होकर के, यानी कि भारत देश में ना होकर के, ये हमारे पड़ोसी देश चाइना में है। चाइना इससे हर साल हजारों लोगों को रोजगार देता है। तो दोस्तों आज मैं पिगरी फार्म के ऊपर बात करने वाला हूं। पिगरी फार्म की डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप सुअर पालन शुरू करना चाह रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुरू से लेकर पिगरी फार्म की जड़ तक जाऊंगा, आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा भारत का पिगरी फार्म के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं टू देसी। तो दोस्तों पिगरी फार्म की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत में पिगरी फार्म से लोग क्यों बचते हैं, क्यों पिगरी फार्म नहीं करना चाहते, क्यों गोट फार्मिंग नहीं करना चाहते। दोस्तों हमारे देश में पिगरी फार्म को माना जाता है कि इसको निचली जाति के लोग करते हैं, मतलब छोटी कास्ट के लोग करते हैं। सबसे बड़ा रीजन यह है कि पिगरी फार्म से लोग बचते हैं। और दूसरा रीजन है, लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते। अगर वो जोखिम उठाएं तो इसमें 100% बेनिफिट होता है। जितनी आप उसमें लागत लगाते हैं उससे दुगनी कमाई आपको पिगरी फार्म में देखने को मिलती है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में कि हमारे देश की बैंकें आम आदमी को लोन प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जबकि गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और हमारे देश में बैंक मैनेजर और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी वो लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं और आम आदमी को बैंक के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए भी पिगरी फार्म हमारे देश में संभव नहीं हो पाता है। मगर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बैंक मैनेजर लोन देने पर मजबूर हो जाएगा और आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो चलिए पूरे विवरण को समझते हैं और आपको बताता हूं कि आप पिगरी फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं भारत में। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लोन लेकर के अगर पिगरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आपका पिगरी फार्म आसानी से खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक आपके पास होनी जरूरी है, जिसमें लोन का पैसा आपके पास आएगा। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 10th क्लास पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है क्योंकि कास्ट के अनुसार हमारे देश में लोन प्रोवाइड किया जाता है। आप भारतीय होने चाहिए, आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, और आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए और उस जमीन पर 143 यानी कि उस जमीन को आवासीय में या फिर कमर्शियल में दर्ज होना बहुत जरूरी है। और आप सरकार की स्कीम के तहत यानी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत या फिर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और ये सभी जानकारी आपका ग्राम विकास अधिकारी या फिर बैंक मैनेजर आपको प्रोवाइड करा देगा कि कैसे आपको लोन मिलेगा और कहां से किस किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया करनी होती है। ये प्रक्रियाएं चेंज होती रहती हैं। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी को 25% सब्सिडी मिलती है। अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो दोस्तों आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है, यानी कि आपने 1,00,000 रुपए अगर खर्च किया तो उसमें 35,000 रुपए आपको रिटर्न हो जाता है। तो काफी अच्छी हेल्प आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। तो देर मत कीजिए, आज से ही अपनी फाइल लगाइए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिग फार्मिंग में हमें कितना बेनिफिट होता है। देखिए जब शुरुआत में आप पिग डालते हैं तो कम से कम 20 फीमेल पिग से बिजनेस को शुरू कीजिए और उस पर आपको एक मेल पिग रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पिग होते हैं वो 6 महीने में एक बार बच्चे देते हैं और एक पिग 12 बच्चे देता है। 6 महीने में एक पिग 12 बच्चे देता है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने 20 फीमेल पिग रखे हैं तो 12 बच्चों के हिसाब से 20 ने लगभग 240 बच्चे देने ही देने हैं। तो 240 बच्चे उसने दिए, बच्चों की ग्रोथ जो है 5 से 6 महीने में पूरी हो जाती है और वो 100 किलोग्राम का हो जाता है। अगर आप उसको फीड पर पालते हैं तो 100 किलोग्राम का हो जाएगा कितना, 6 महीने में। तो टोटल हमारे पास 240 बच्चे थे, वो 100 किलोग्राम के हो गए। आप उनको मार्केट में बेचने जाते हैं तो मार्केट में 100 किलोग्राम सुअर की कीमत जो होती है वो मान के चलिए 14,000, 15,000 या फिर 16,000 तक वो बिक जाता है। तो मिनिमम हम रेट मान के चलते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी मार्केट में रहते हैं तो 14,000 रुपये का आपका बिकेगा ही बिकेगा। आपके पास 240 बच्चे हुए 20 फीमेल से 6 महीने में, अगर हम उसकी टोटल की कीमत देखें तो 14,000 रुपये के हिसाब से होती है 33,60,000 रुपये।
दोस्तों ये वाला पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट होता है एक ही साल में, मतलब 6 महीने में एक बार हुआ, फिर से 6 महीने में एक बार हुआ। इस हिसाब से 240 × 2 मतलब 240 बच्चे थे, फिर से 240 बच्चे आ गए एक साल में, एक दो बार रिपीट हो गया, तो इसी हिसाब से 33,60,000 रुपये का आपको फिर से बेनिफिट हुआ। तो 6 महीने में 33,60,000 रुपये का हो रहा है, तो पिछली बार जो हुआ आप जो बाद में हुआ उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो नेट बेनिफिट आता है वो 67,20,000 रुपये का आता है। और दोस्तों हम मानते हैं लगभग 50% इसमें मान लीजिए खर्चा आ गया, मतलब 50% आपकी इसमें लागत आ गई, तो इस हिसाब से जो उसकी लागत आई 33,60,000 रुपये हम मान के चलते हैं, तो फिर भी हमें 33,60,000 रुपये का कंप्लीट बेनिफिट निकल के आता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है केवल और केवल 20 सुअर पालने से एक साल के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा अगर आप वास्तव में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप ये बिजनेस शुरू कीजिए, बहुत इजीली आप इसको मार्केट में बेच देते हैं। और लोकल में कहीं ना कहीं पिग मीट शॉप होती हैं, लोग उसको बहुत स्वाद से खाते हैं और बहुत आराम से धड़ल्ले से बिकता है, तो बिजनेस को शुरू कीजिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो बिजनेस से रिलेटेड डाली हुई हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए सबको धन्यवाद।